जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट यूट्यूब चैनल अज तुहाडे नाल एक ऐसी जगह ते एक स्थान ते खड़ा है। तुसी देख लो एक ए अदारा है, इस अदारे का की नाम है, सेक्रेट हार्ट दे नाम नाल सैक्टर 26 च जानिया जाता है। और इस दी जान ते पहचान ये इमारत ने, इथों निकलियां थियां जेड़ियां छोटियां छोटियां पंखड़ियां सी ते वड्डियां होके निकलियां ने, ते ए जेड़ियां ने तियां इन्होंने कित्थे कित्थे उडारी मारी ते किस किस शाख ते जाके बैठियां, ए शाख कित्थों तक उन्होंने डिवेलप कीती, किदी किदी छां बनियां ते की होया। इहदे ऑपोजिट ते जेड़ी है लैफ्ट साइड ते जेड़ी तुहानूं दिखा रहा मैं जिथों कार निकल रही है, वो गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज है सैक्टर 26 का। तो इत्थे ये एक जे कहा जाए सैक्टर 26 एक इंस्टीट्यूशनल ते मार्केट एरिया, इहदे विच कोई दो रावां जिहड़ियां नहीं हो सकदियां, राय इक्को ही होएगी कि ये एक ऐसी हब है जिस नूं तोड़न का भी यतन किया जा रहा है। तो बड़े सज्जन ऐसे भी ने जिन्होंने जोड़न का भी यतन किया। अज तुहानूं मैं दिखा दिना, इत्थों देखो तुसी, जे असी अज तियां बारे गल कर लीए तो मैं ज़्यादा देर ना खलोवां तुहाडे विच ते ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गल करन लई तुसी देखो आए ने साडे नाल साडे भैन जी, बड़ी उन्हां नूं बेनती कीती है भी थोड़ा जिहा टाइम कढ़ो तो आ जाओ, तो वह गए ने आ साडे कोल। भैन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अज आपां गल करांगी बेटियां दी, बेटियां रब की खूबसूरत नियामत जिन्हों असी परियां कह सकते हैं, जिन्हों अपनी असी जिंदगी की खुशहाली लक्ष्मी सरस्वती का रूप कह मान सकते हैं। हर धर्म के विच ना बेटियां दे लई कुछ खास अहमियत कुछ खास लिखा गया। जिस तरह सिख धर्म के विच लिखा गया है कि ओ नार सुलखनी जिन्हें पहले जाई लक्ष्मी, यानी ओ औरत जड़ी हैगी है ओ सुलखनी है, गुणा भरपूर है जिन्हों रब ने पहले लक्ष्मी दिती है। फिर जे देखा जाए मुसलमानों के भी इस चीज़ को मनिया जाता है कि जिसके घर पहली अल्लाह जिस घर में बेटी की बख्शिश करता उस सारिया रहमत होंदिया ने। जे हिंदुओं भी देखा जाए जो उन्होंने पुरातन इतिहास में आप देखिए तो वो भी लड़की की बड़ी अहमियत सी। तुसी इस चीज़ को देखो भी हर मर्द के नाम के नाल औरत का नाम जुड़ता सी, सीता राम राधे कृष्ण कुंती पुत्र अर्जुन, ये सारिया जिहड़ियां सीगियां एक औरत नूं एक लड़की नूं रिस्पैक्ट देने दे ढंग से। सो हर धर्म के विच क्रिश्चन विच तुसी देख लो मदर मैरी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैगी है। सो सारे धर्मां विच जे असी देखा जाए तो बेटियां की सब तो ज़्यादा अहमियत मनी गई है। बेटियां साड़ी जिंदगी का वो हिस्सा हैगियां ने जिहड़ियां छोटिया छोटिया होंदे ही पहले तो घर दे लई सुख मंगदियां ने। इन्हां दे घर च पैर आन का मतलब हुंदा है साडे घर दे विच लक्ष्मी का ग्रह प्रवेश। ये बेटियां जिहड़ियां होंदियां ने छोटिया होंदे तो ही अपने लिए वीरा अपने लिए भैणां की मंग कर लैंदियां, साडे घर दे लई सुख मंगदियां ने, माँ बाप का ख्याल रखदियां। तुसी ये देखो भी छोटी जी बेटी होंदी है ना, जे बेटा होंदा वो अपना खेड़दा रहिंदा है, पर जे बेटी होंदी है ना तो प्यो घर दे विच वड़दा है तो वह भज के जाके उन्हूं जफ्फी पाती है, प्यार करती है, उन्दे कोलों अपनी तोतली जी जबान च बड़ा कुछ पुछदी भी है। सो जदों ये बेटियां थोड़ियां जिहां वड्डियां होंदियां ने ते ये मां दे नाल ਉਹਦੀ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਉਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ। ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ,
जे देखा जाए पढ़ लिख के अज की बेटी साड़ी चंद्रमा तक जा पहुंची हुई है। हर काम दे विच साड़ियां बेटियां अगे हो चुकियां हुई। इन्हां बेटियां ने साडे देश का नाम भी रोशन किया। पीटी उषा देख लो तुसी, इन्हां ने इन्नी देर तो असी ओलंपिक दे विच कोई अवार्ड नहीं लै पा रहे सी। पीटी उषा देख लो अज दी डेट च जे चंडीगढ़ दी आपां देखा जावे जिन्हें हुण खिताब जितया हैगा। सो ये सारिया बेटियां जिहड़ियां हैगियां ने ये जिंदियां मर्जी उड़ारी मार लैन, अखीर अपने माँ प्यो दे कोल उन्हां दा ख्याल रखन लई मुड़ आंदियां ही आंदियां। जदों असीं इन्हां नूं विआह दिंदे आ तद भी इन्हां नूं अपने पेरेंट्स दे वल एक अजीब खिच, एक अजीब प्यार हुंदा है। ये दूसरे घर नूं भी जा के अपना लैंदियां। दूसरे घर च क्यों नहीं असीं बेटे विआह के दूजे घर च भेज दिंदे, क्यों? क्योंकि वह अपने घर नूं ही अपना लैन उन्ना ही काफ़ी हुंदा, वह अपना ही कर लैन, अपने परिवार को ही संभाल लैन उन्ना ही काफ़ी हुंदा। जबकि जिहड़ियां बेटियां हुंदियां ने ये दोनों घर की इज्जत संभाल दियां ने। ये एवो जे मोती हैगे ने जिन्हां नूं सीप दे विच रख्या जांदा, बड़ा संभाल के रख्या जांदा। ये अपने माँ प्यो की इज्जत नूं दूसरे घर च जाके सहुरे घर दे विच जाके उन्हां दे परिवार दे विच रच मिच जांदियां ने। तो फिर एक टाइम एवो जिहा भी आंदा है जदों इन्हां नूं उह घर पहले हो जांदा ते अपना पेका घर पिछों हो जांदा। बेटियां साडे दोनों परिवारों की इज्जत नूं रखदियां ने, साडे मान सम्मान नूं वधांदियां ने। अज दी बेटी ने तरक्की कर ली, किते दी किते पहुँच गईआं। अज भी जे असी अपने पुराने जमाने दीआं वी गल्लां करिए ते उहदे विच वी बेटियां या मावां घट नहीं सी। जे आपां अज वी प्यार दी मिसाल देनी होवे ते असी राधा दे प्यार दी मिसाल दिंदे आ, मीरा दे प्यार दी मिसाल दिंदे आ, सती दे प्यार दी मिसाल दिंदे आ। जदों वी किसी भी काम दे विच, अज वी जे असी पढ़ाई दी गल करिए ते असी सरस्वती माता दी वंदना करते, जिहड़ी इक बेटी सी, जदों सानू शक्ति दी जरूरत पैंदी है ते असी जिहड़ा हैगा दुर्गा माता नूं, काली माता नूं जिहड़ा हैगा अपना मनदे हैगे आ, इह वी इक बेटियां ने। असी इहनां नूं बचपन तो कंजक रूप दे विच पूजदे हैगे आ। इहनां दे पैर धोते जांदे ने, मत्थे ते तिलक कीते जांदे ने, मौलियां बन्नियां जांदियां ने, मत्थे टेके जांदे ने। क्यों? क्योंकि इन्हां दे नाल ही घर दे विच बरकत है। जिन्हां परिवारां दे विच बेटियां दी कदर नहीं कीती जांदी उन्हां परिवारां दे विच वाधे नहीं हुंदे। वाधे तो मेरा मतलब ये नहीं हैगा कि जी पैसे दी कमी हो जांदी है या घर दे विच बच्चियां दी कमी हुंदी है या होर किसी चीज़ दी, नहीं। परिवार दे विच इक जिहड़ी खुशी हुंदी है ना, उहदे विच कमी रहिंदी है। सो बेटियां साडा मान सम्मान, साडी इज्जत, साडा प्यार, हर चीज़ अज दी डेट जे देखा जावे बेटियां दे नाल। एक बेटी ही है जिहड़ी वड्डी हो के एक माँ दा रूप धारण करदी है। इस संसार दी जे सृष्टि नूं असी देखा जावे चलाण वालियां बेटियां, क्योंकि एक औरत दर्द सह के एक बच्चे नूं जन्म दिंदी है जिहड़ा कि अगों संसार दे विच विचरदा है। वंश नूं वधाउण दे विच साडियां बेटियां दा बहुत वड्डा हाथ हुंदा है। इत्थे मैं ये भी गल कहूँगी कि बेटा या बेटी नूं पैदा करना एक औरत दे हाथ नहीं हुंदा, ये एक आदमी दे हाथ दे विच हुंदा। पर उस बच्चे नूं तंदुरुस्ती दे नाल जन्म देना, उन्हूं अच्छे संस्कार देना, उन्हूं जिंदगी दे विच जीन दे काबल बनाना, ये एक औरत दा काम हुंदा। सो बेटियां ओ चीज़ ने जिहनूं कह लो ओ गुलाब ने जिन्हां जिहड़ियां सारे पासे खुशबू भी खेरदियां ने, सानू जिंदगी जीन दा सलीका दिखांदियां। तुसीं कदी भी नोट कर लो जे बाप बाहर जान लगदा ना ते बेटे नूं कोई फर्क नहीं पैंदा कि बाप ने किहड़े कपड़े पाए हुए, पर बेटी पहले इस चीज़ दा पापा विआह ते जाना तुसीं इह मैचिंग करके जाना, तुसीं मम्मी नाल मैचिंग कपड़े पाने ने, उहनूं अपने बाप की बड़ी फिक्र हुंदी है।
ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਜੀ। ਕਲਪਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ।